पीएम केअर फंडातला निधी हा एनडीआरएफमध्ये म्हणजेच राष्ट्रीय आपत्ती मदत निधीकडे वळवता येणार नाही असा निर्णय आज सुप्रीम कोर्टाने दिलाय आणि हा निधी एनडीआरएफमध्ये वर्ग करावा अशी मागणी करणारी याचिका दाखल करण्यात आलेली होती। त्यावर 17 जुलैला सुप्रीम कोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला होता आणि त्यावर आज हा निकाल देण्यात आलाय। सुप्रीम कोर्टाच्या या निकालामुळे काँग्रेस प्रायोजित षडयंत्राचा अंत झाल्याची टीका भाजपनं केली आहे। पीएम केअर फंडाचा कारभार हा पारदर्शी पद्धतीनं सुरू असल्याचं केंद्रीय कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद यांनी म्हटलंय। पीएम केअर फंडातून आतापर्यंत 3100 कोटी रुपये कोरोना विरोधातल्या लढाईसाठी दिलेले आहेत असंही ते म्हणाले। तर राहुल गांधी सातत्यानं कोरोना विरोधातल्या देशाच्या एकतेविरोधात वक्तव्य करतात असा हल्लाबोल प्रसाद यांनी केलाय। पीएम केयर फंड से अब तक 3100 करोड़ रुपए दिए गए हैं कोरोना की लड़ाई में। ट्रांसपेरेंसी इज रिट लार्ज इन द पीएम केयर फंड बोथ इन टर्म्स ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड बोथ इन टर्म ऑफ ट्रांसपेरेंट मैनेजमेंट ऑफ फंड्स रिसीव्ड ऑन ए वॉलंटरी बेसिस। इसमें पूरे फंड वॉलंटरी रूप से आते हैं। तो राहुल गांधी ने एक भी कसर नहीं छोड़ी और कांग्रेस पार्टी ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया जाए राष्ट्रीय संकल्प को। आई रिग्रेट टू से इन व्यू ऑफ द कंडक्ट ऑफ मिस्टर राहुल गांधी राइट फ्रॉम डे वन ही नेवर स्पेयर्ड एनी अपॉर्चुनिटी टू वीकन द नेशनल रिजॉल्व इन द फाइट अगेंस्ट कोरोना। Oh,